हेलो स्टूडेंट्स, ओ टू आइस अकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, हमने एचएएस प्रीलिम्स को टारगेट करने के लिए एक नई सीरीज़ को शुरू किया है, दैट इज़ डी रॉ सीरीज़, डेली रिवीजन एंड वर्क, जिसके अंदर हम पिछले एक साल के करंट अफेयर्स को भी कवर करवा रहे हैं। इसके अलावा आपको सब्जेक्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज़ भी कवर करवाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आज हम जो सब्जेक्ट शुरू करने वाले हैं, दैट इज़ योर जनरल साइंस। जनरल साइंस के अंदर हम बायोलॉजी, फिजिक्स और केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़ को कवर करेंगे। इसके अलावा आपको हर एक वीडियो के अंदर कुछ टॉपिक्स से रिलेटेड जो एमसीक्यूज़ हैं वो कवर करवाए जाएंगे, और उसके रिगार्डिंग आपको एक दो एमसीक्यूज़ मिल जाएगा और उसकी बैकग्राउंड नॉलेज भी आपको दी जाएगी। तो शुरू करने से पहले, अगर आपको रिवाइज करने के लिए इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारी O2IS Academy की ऐप को जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको कंटेंट सेक्शन में एचपीएस प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2022 के नाम से कोर्स मिलेगा। उसके कंटेंट सेक्शन में आपको फ्री रिसोर्सेज के अंदर करंट अफेयर्स की पीडीएफ मिल जाएंगी। इसके अलावा आपको हमारी ऐप के ऊपर स्पीड रिवीजन कोर्सेज भी मिल जाएंगे और आपको अलग अलग टेस्ट सीरीज भी मिल जाएंगी। आप एक बार जाकर उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले टॉपिक से। आज हम बायोलॉजी कवर करेंगे। मोस्ट प्रोबेबली आपके 3-4 लेक्चर्स के अंदर हम बायोलॉजी को कवर कर लेंगे। आज हम जो बायोलॉजी के टॉपिक्स देखने वाले हैं, दैट इज योर, ये आपके इनलिस्टेड टॉपिक्स हैं, आप एक बार इसको गो थ्रू कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं आज के सबसे पहले क्वेश्चन से। आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन दिया गया है और उसके रिगार्डिंग आपको 3 स्टेटमेंट्स दी गई हैं। आपने बताना है कि इसमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका प्लांट सेल और एनिमल सेल के डिफरेंस के बीच में है। जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले एक बार स्टेटमेंट्स को देख लेते हैं कि सबसे पहला तो आपका सेल वॉल का ही डिफरेंस है कि प्लांट सेल के पास सेल वॉल होती है और एनिमल सेल के पास सेल वॉल नहीं होती। तो ये स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल सही हो जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि प्लांट सेल के पास सेल्यूलोज की सेल वॉल होती है। नेक्स्ट है आपका कि प्लांट सेल और एनिमल सेल दोनों के पास ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। तो आपकी सेकंड स्टेटमेंट बिल्कुल गलत हो जाएगी। अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट की बात करूं कि जो मैच्योर प्लांट सेल होता है उनके पास एक लार्ज वैक्यूल होता है, लेकिन एनिमल सेल के पास छोटे छोटे वैक्यूल्स जो हैं उनके सेल के अंदर लाइक करते हैं, तो आपकी थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही हो जाएगी। तो अगर मैं इसके करेक्ट आंसर को देखूँ तो 1 और 3 ऑप्शन जो है आपका करेक्ट आंसर बनेगा। इसके अलावा अगर मैं प्लांट और एनिमल सेल के कुछ और डिफरेंसेस के बारे में देखूं, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए, एक बड़ा सा वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, वेयर एज आपके एनिमल सेल में जो छोटे छोटे वैक्यूल्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा आपका जो न्यूक्लियस होता है प्लांट सेल में वो पेरिफेरी पे लाई करता है, लेकिन एनिमल सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है वो सेंटर के अंदर लाई करता है। और डिफरेंसेस को देख लेते हैं, जैसे कि आपको प्लांट सेल के अंदर जो प्लास्टिड्स हैं वो देखने को मिलेंगे, और इस प्लास्टिड्स के अंदर आपके जैसे क्लोरोप्लास्ट वगैरह हो जाएंगे, वो सारे के सारे इसी के अंदर आ जाएंगे, लेकिन एनिमल सेल के अंदर आपको प्लास्टिड्स देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा प्लांट सेल के अंदर जो वैक्यूल की सेल मेम्ब्रेन होती है उसको टोनोप्लास्ट कहते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होता। नेक्स्ट डिफरेंस आपका ये है कि प्लांट सेल के अंदर एक सेल और दूसरे सेल के बीच में एक बेसिकली गैप सा प्रेजेंट होता है, जिसको हम प्लाज्मोडेस्मेटा कह देते हैं, लेकिन एनिमल सेल के अंदर हम उसको प्लाज्मोडेस्मेटा के नाम से नहीं जानते। उनके अलग अलग जंक्शंस होते हैं, जैसे कि गैप जंक्शंस हो गया, टाइट जंक्शन हो गया, तो उनको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये कुछ डिफरेंसेस आपको पता होना चाहिए। ध्यान रखना है कि सेल वॉल जो है वो प्लांट सेल के पास होती है, एनिमल सेल के पास ही नहीं होती। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, आपको सेल ऑर्गेनेल्स दिए गए हैं, उसके रिगार्डिंग आपको कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, आपने उनके फंक्शंस को मैच करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है एक सेल के अंदर, वो एनर्जी बनाने का काम करता है, और वो भी एटीपी की फॉर्म में, दैट इज एडीनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो इसीलिए हम माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कह देते हैं। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन की बात करूं यहां पर, तो जो लाइजोजोम्स होते हैं उसके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, जो कि एक सेल को बेसिकली कोई भी चीज को अगर किल करना हो, या फिर कोई फॉरेन पार्टिकल सेल के अंदर आया है उसको किल करना हो, तो लाइजोसोम्स हेल्प करते हैं। और कई बार हम जो लाइजोसोम्स है उसको सुसाइडल बैग ऑफ द सेल भी कह देते हैं, क्योंकि उसके पास जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं वो एक रप्चर्ड सेल को, या फिर जो सेल खराब हो चुकी है उसको किल करने में भी हेल्प करते हैं। तो इसीलिए आपका लाइजोसोम्स का ऑप्शन रहेगा फर्स्ट। तो नेक्स्ट अगर मैं राइबोसोम्स के बारे में बात करूं, तो जो राइबोसोम्स हैं वो आपके एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर लगे रहते हैं, और वहां पर आपके डीएनए से जैसे आपका आरएनए बनता है, और उस आरएनए के बाद जो आपके प्रोटीन्स बनते हैं, तो अल्टीमेटली प्रोटीन्स बनाने के लिए, आरएनए से प्रोटीन्स को बनाने के लिए आपके राइबोसोम्स को ही यूज़ किया जाता है।
तो आपको पता होना चाहिए कि जो राइबोसोम्स हैं वो आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं डीएनए के बारे में। तो डीएनए आपको पता ही है कि आपका जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, चाहे वो आरएनए हो चाहे वो डीएनए हो, तो वो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करने में हेल्प करते हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं इसका आंसर देखूंगी तो फोर्थ ऑप्शन जो है वो इन दो ऑप्शंस में है, तो आपका जो आंसर है वो डी बन जाएगा। तो आपने इसको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में देखते हैं। कई बार आपको सेल ऑर्गेनेली के साथ उसके फाउंडर्स के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर आपको अलग अलग सेल ऑर्गेनेलीज प्रोवाइड करी गई हैं और आपको पता लगाना है कि कौन कौन से जो फाउंडर हैं, किसने किस चीज़ को डिस्कवर किया था बेसिकली। तो आप न्यूक्लियस को याद रख सकते हैं कि जो आपका न्यूक्लियस है थोड़ा सा ब्राउनिश कलर का है, तो इसीलिए वो रॉबर्ट ब्राउन ने डिस्कवर किया है। ध्यान रखना है न्यूक्लियस ब्राउन कलर का नहीं है, ये मैं आपको सिर्फ याद करवाने के लिए बता रही हूं, तो इसीलिए आप इसको रॉबर्ट ब्राउन के नाम से जान सकते हैं। अगर मैं सेल के बारे में बात करूं तो सेल को डिस्कवर करने के लिए सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने थोड़े से इनिशिएटिव्स लिए थे, लेकिन उस टाइम पे रॉबर्ट हुक ने एक डेड सेल को डिस्कवर किया था, लेकिन लिविंग सेल को किसने डिस्कवर किया था? ल्यूवेनहॉक ने। तो इस चीज के बारे में भी आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है वो कॉलेकर जी ने डिस्कवर किया था, और जो आपका डीएनए है वो फ्रेडरिक मिशर ने डिस्कवर किया था। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर बनेगा दैट इज योर ए ऑप्शन। ऐसे ही मैंने आपको हर एक ऑर्गेनेली के यहाँ पे डिस्कवरर्स के बारे में दिया हुआ है, आप एक बार जाकर इसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। आपने थोड़ा बहुत ध्यान रखना है, जैसे कि जो न्यूक्लियस है रॉबर्ट ब्राउन हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो आपका पॉटर हो गया, देन इज आपके जो प्लास्टिड्स हैं वो आपके अर्नस्ट हैकल हो गए। ऐसे ही आप कुछ चीज़ों को याद रख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर डीएनए एंड आरएनए। जैसा कि आप जानते हैं कि एक डीएनए को हम डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं, इन द सेम वे आरएनए को हम राइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर मैं सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूँ कि डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर ATGC जो है ये नाइट्रोजन बेसिस प्रेजेंट होते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। अभी बताती हूँ कि क्या क्या चीज़ें प्रेजेंट होती हैं। तो इस हिसाब से अगर मैं इसका आंसर देखूँ तो आपकी सिर्फ वन ओनली जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर डीएनए और आरएनए के अंदर हम कुछ और डिफरेंसेस को देख लेते हैं। जैसे कि डीएनए और आरएनए दोनों की दोनों, सबसे पहली बात तो है आपके एक पेंटोज शुगर होता है, एक आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है और एक आपके नाइट्रोजन बेसिस होते हैं। इन तीनों चीज़ों से मिलकर आपके न्यूक्लिक एसिड बने हुए होते हैं, चाहे वो डीएनए हो चाहे वो आरएनए हो। तो यहाँ पर अगर मैं पेंटोस शुगर के बारे में बात करूँ तो डीएनए की जो पेंटोस शुगर होती है उसके सेकंड ग्रुप पे OH ग्रुप नहीं होता। इन द सेम वे अगर मैं आरएनए के बारे में बात करूँ तो उसकी पेंटोस शुगर में सेकेंड ग्रुप के ऊपर OH ग्रुप प्रेजेंट होता है। इसके अलावा नाइट्रोजन बेसिस के डिफरेंसेस की बात करूँ तो साइटोसिन ग्वानिन और जो एडीनाइन है, दैट मीन्स आपका जो कैग है, आप कैग के नाम से इसको याद रख सकते हैं, जो आपका कैग है वो डीएनए और आरएनए दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर मैं थायमिन और यूरेसिल के बारे में बात करूं तो डीएनए के अंदर थायमिन प्रेजेंट होता है और आपके आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है। तो दैट मीन्स आरएनए के अंदर आपके थायमिन नहीं प्रेजेंट होता। इन सब चीज़ों के बारे में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू सेल डिवीजन। तो मियोसिस के रिगार्डिंग आपको यहाँ पर चार स्टेटमेंट्स दी हैं, आपने इसमें से ट्रू स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्या मियोसिस को इक्वेशनल डिवीजन कहा जाता है। तो ये वाली स्टेटमेंट आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी, क्योंकि मियोसिस के अंदर एक सेल से चार सेल्स बनती हैं और इन चारों के चारों सेल्स के अंदर जो क्रोमोसोम के नंबर होते हैं वो आधे हो जाते हैं। दैट मींस अगर एक सेल के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम होंगे तो यहाँ पे हर एक सेल के अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। इसीलिए हम इसको इक्वेशनल डिवीजन नहीं कहते हैं बल्कि रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट की बात करूँ तो मियोसिस के अंदर आपके गैमेट्स की सेल डिवीजन जो है वो इन्वॉल्व रहती है, तो इस वजह से बेसिकली आपके गैमेट्स जो हैं वो क्रॉसिंग ओवर करते हैं, तो मियोसिस के अंदर आपकी क्रॉसिंग ओवर जो है वो इन्वॉल्व रहती है। थर्ड स्टेटमेंट की अगर मैं बात करूं कि अकर्स इन ऑल सेल्स ऑफ द बॉडी, तो ये गलत हो जाएगी। अभी मैंने आपको बताया कि गैमेट सेल्स के अंदर होती है। गैमेट सेल का सिंपल सा मतलब होता है कि स्पर्म्स और ओवम के अंदर ही मियोसिस देखने को मिलती है। नेक्स्ट स्टेटमेंट की बात करते हैं कि ह्यूमन मियोटिक सेल के अंदर हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि क्योंकि रिडक्शनल डिवीजन है तो आधे क्रोमोसोम्स हो जाते हैं, तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल सही रहेगी। तो इस हिसाब से आपकी सेकंड और फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, तो इसलिए आपका जो आंसर बनेगा दैट इज
आपका थर्ड ऑप्शन। तो यहाँ पे मैंने इस टेबल के अंदर ये सभी चीज़ें लिखी हुई हैं कि जैसे कि जो माइटोसिस है वो सोमेटिक सेल्स में होती है, मियोसिस आपकी गैमेट सेल्स में होती है, जो माइटोसिस है वो इक्वेशनल डिवीजन कहलाती है और जो मियोसिस है वो रिडक्शनल डिवीजन होती है। मियोसिस के अंदर आपको क्रॉसिंग ओवर देखने को मिलेगा, हालांकि माइटोसिस के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। तो ये सब चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी सेल्स हैं एक्सेप्ट योर गैमेट सेल, उन सब के अंदर आपको माइटोसिस देखने को मिलती है। तो ये सब चीज़ें आपने थोड़ी बहुत याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि आपको एनिमल टिश्यूज से पूछा गया है। तो यहाँ पे आपको एक पर्टिकुलर ऑर्डर में इस क्वेश्चन को अरेंज करना है, जैसे कि सबसे पहले आपको कनेक्टिव टिश्यू, फिर मस्कुलर टिश्यू, फिर एपिथेलियल टिश्यू और फिर नर्वस टिश्यू के ऑर्डर में इसको अरेंज करना है। तो सबसे पहले अगर मैं कनेक्टिव टिश्यू के बारे में बात करूं तो आपको पता होगा कि जो ब्लड है वो आपका कनेक्टिव टिश्यू है। कनेक्टिव टिश्यू की जो स्पेसिफिकेशंस होती हैं वो ये होती हैं कि उसके अंदर एक तो सेल प्रेजेंट होना चाहिए, कोई ना कोई सेल होना चाहिए, फिर उसका ग्राउंड मैट्रिक्स प्रेजेंट होना चाहिए और तीसरी चीज़ है फाइबर्स प्रेजेंट होने चाहिए। ऐसे ही टिश्यू को हम कनेक्टिव टिश्यू कह देते हैं। तो आपका जो ब्लड है उसके अंदर कोलेजन फाइबर्स भी होते हैं, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स भी होते हैं, इसके अलावा प्लाज्मा भी होता है, ग्राउंड मैट्रिक्स भी होता है। तो यहाँ पे आपका कनेक्टिव टिश्यू ब्लड हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं मस्कुलर टिश्यू के बारे में बात करूँ तो आपके मस्कुलर टिश्यू जो है वो दो टाइप के देखने को मिलते हैं, एक आपके वॉलेंट्री मसल्स और एक आपके इनवॉलेंट्री मसल्स। वॉलेंट्री मसल्स का मतलब ये होता है उन मसल्स की मूवमेंट आपकी मर्जी से हो रही है। जैसे अगर मैं कोई भी अपनी हैंड की मूवमेंट कर रही हूँ तो उसके अंदर जितनी भी मसल्स हैं वो मेरी मर्जी से मूव कर रही हैं, तो उन मसल्स को हम वॉलेंट्री मसल्स कह देते हैं। इसके अलावा इनवॉलेंट्री मसल्स भी होती हैं, जैसे कि आपकी कार्डियक मसल्स हो गई। उन कार्डियक मसल्स की, दैट मीन्स आपके हार्ट के आसपास जो मसल्स प्रेजेंट हैं उनकी मूवमेंट जो है वो आपकी मर्जी से नहीं होती है। ऐसा तो नहीं होता कि भाई आप बोल देते हैं कि भाई हाँ अब हमारा जो हार्ट है वो बीट करेगा तो आपकी मर्जी से हो रही है हार्ट बीट, तो ऐसा नहीं होता है। तो इसके अंदर एक इनवॉलेंट्री मसल्स भी आती हैं। नेक्स्ट अगर मैं एपिथेलियल टिश्यू की बात करूँ तो आपके ऑर्गन्स के, आपके बॉडी के ऊपर जितनी भी कवरिंग प्रेजेंट है वो सारी की सारी आपकी एपिथेलियल टिश्यू है, चाहे वो आपकी स्किन की कवरिंग ही क्यों ना हो या फिर आपके ऑर्गन्स के आसपास कवरिंग क्यों ना हो, आपके ऑर्गन्स के अंदर वाली जो लाइनिंग है उसके अंदर भी आपका एपिथेलियल टिश्यू ही प्रेजेंट होता है। तो यहाँ पे आपका इसका जो आंसर बनेगा दैट विल बी योर स्किन। नर्वस टिश्यू के बारे में बात करूँ तो आपका जो नर्वस सिस्टम है वो न्यूरॉन्स से मिलकर बना हुआ होता है और आपका जो ब्रेन है उसके अंदर आपको बहुत ज़्यादा न्यूरॉन्स देखने को मिलेंगे जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर आपके एक ब्रेन होता है और दूसरा आपका स्पाइनल कॉर्ड होती है। तो इस हिसाब से अगर मैं इसको अरेंज करना चाहूँ तो आपका सी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही रहेगा, दैट मीन्स आप इसको एक बार अरेंज कर लेना, ठीक है। ऐसे ही मैंने आपको बता ही दिया है कि जो एनिमल टिश्यू है उसके चार टिश्यूज आपको देखने को मिलेंगे, एपिथेलियल टिश्यू जो कि आपकी बॉडी की सारी लाइनिंग होती है, नेक्स्ट है आपका मस्कुलर टिश्यू जिसके अंदर आपको इनवॉलेंट्री और वॉलेंट्री मसल्स देखने को मिलेंगे, बेसिकली जो स्ट्राइएटेड होता है वो वॉलेंट्री मसल्स होती हैं आपकी, ठीक है, और बाकी ये जो दो हैं आपकी वो इनवॉलेंट्री मसल्स होती हैं। ऐसे ही आपका कनेक्टिव टिश्यू है जिसके अंदर आपका ब्लड आ जाएगा, बोन आ जाएंगे, कार्टिलेज आ जाएंगे, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, लिम्फ आ जाएगा, ये सारी की सारी चीज़ें आपके कनेक्टिव टिश्यू के अंदर लाई करती हैं। लास्ट है आपका नर्वस टिश्यू जो कि आपका नर्वस सिस्टम बनाता है जिसके अंदर न्यूरॉन्स और न्यूरोग्लायल सेल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, दैट इज रिलेटेड टू योर प्लांट टिश्यूज। तो वूंड हीलिंग इन प्लांट्स इज इनिशिएटेड बाय, तो आपको पता होना चाहिए कि प्लांट्स के अंदर अगर कोई टिश्यू खराब हो जाए और उसकी दोबारा से डिवीजन करवानी हो तो आपका सेकेंडरी मेरिस्टम जो है वो बेसिकली प्लांट की जो वूंड्स होते हैं उसको दोबारा से हील करने में हेल्प करता है। एक बार देख लेते हैं कि भाई बेसिकली प्लांट के टिश्यूज कौन कौन से होते हैं और कौन कौन से टिश्यूज किस किस चीज़ों में इन्वॉल्व रहते हैं। तो आपको प्लांट के दो तरह के टिश्यूज देखने को मिलेंगे, एक है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और दूसरा है परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का सिंपल सा मतलब ये होता है कि ये ऐसे सेल्स हैं जो कि डिवाइड करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। तो अगर एक प्लांट की ग्रोथ इंक्रीज हो रही है दैट मीन्स दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ योर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। परमानेंट टिश्यू की बात अगर मैं करूँ तो ये एक ऐसे टिश्यूज हैं जिनकी जो ग्रोथ है वो हो चुकी है और अब इनके अंदर डिवाइड करने की कैपेबिलिटी नहीं बची है, ठीक है। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो प्लांट की अलग अलग जगहों पर प्रेजेंट होते हैं, जैसे प्लांट के टिप पर, जिसको हम एपिकल मेरिस्टम कहते हैं, जिसकी वजह से प्लांट की जो टिप की ग्रोथ हो जाती है। इन द सेम वे अगर मैं इंटरकैलरी मेरिस्टम के बारे में बात करूं तो प्लांट के जो नोड्स होते हैं वहां पर इंटरकैलरी मेरिस्टम्स प्रेजेंट होते हैं जिसकी वजह से प्लांट के नोड्स के बीच में लेंथ जो है वो इंक्रीज हो जाती है। थर्ड है आपका लेटरल मेरिस्टम,
दैट मीन्स अगर प्लांट की गर्थ को इंक्रीज करना हो तो वहां पर आपके लेटरल मेरिस्टम्स जो है वो प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं परमानेंट टिश्यूज के बारे में बात करूं तो ये भी आपके दो टाइप के होते हैं, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। सिंपल टिश्यूज का मतलब सिंपल सा ये है कि इसके अंदर सारे सेम टाइप ऑफ सेल्स हैं, ठीक है। जैसे इसके अंदर तीन टाइप के आपके टिश्यूज आते हैं, पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो है आपका जितना भी लिविंग टिश्यू है तो वो सारा का सारा आपका पैरेन्काइमा होता है। इसके अलावा कोलेन्काइमा जो है वो प्लांट को फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं, और स्क्लेरेन्काइमा जो है वो प्लांट के डेड टिश्यूज होते हैं जिसकी वजह से आपकी बार्क वगैरह बनती है। तो आपने ध्यान रखना है कि इसमें से पैरेन्काइमा और जो कोलेन्काइमा है वो लिविंग होते हैं, वेयर एज जो स्क्लेरेन्काइमा है वो डेड होता है, जिसके अंदर जिसकी वजह से प्लांट्स के अलग अलग जो फाइबर्स वगैरह हैं, बार्क ऑफ द ट्री वगैरह है, वो बनती है। इसके अलावा अगर मैं कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू के बारे में बात करूं तो ये ऐसे टिश्यूज हैं जो कि मोर देन वन टाइप ऑफ सेल से बने होते हैं, जिसके अंदर आपके वैस्कुलर बंडल्स आते हैं, जैसे कि आपका फ्लोएम एंड जाइलम। जाइलम जो है वो प्लांट्स के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और जो फ्लोएम है वो प्लांट्स के अंदर खाने को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करने में, जिसको कि हम ट्रांसलोकेशन भी कह देते हैं, तो इन चीज़ों में हेल्प करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, आपको यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए गए हैं, आपने उसको अलग अलग चीज़ों से मैच करना है जो कि आपके प्लांट से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस है वो ऐसे सेल्स हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होना ज़रूरी है, तो आपके प्लांट के अंदर जो क्लोरेन्काइमा होता है उसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है जो कि सनलाइट को कैप्चर कर लेता है और अल्टीमेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मदद से खाना बनाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। तो जैसा कि आप जानते हैं कि रूट्स के द्वारा आपका पानी और जो मिनरल्स हैं वो प्लांट के अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं। ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर अगर मैं बोलूं तो प्लांट के अंदर जो प्लांट के ऊपर वाली स्टेम होती है उसके अंदर पानी ट्रांसपोर्ट करने का काम जो है वो आपके कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू करते हैं, जैसे कि आपका जाइलम हो गया। इन द सेम वे खाने को ट्रांसलोकेट करने के लिए फ्लोएम जो है वो एक जगह से दूसरी जगह खाने को ट्रांसलोकेट करता है। ध्यान देना है कि जो लीव्स हैं उसके अंदर ही आपका जो खाना है वो बनता है। जहां पे भी आपका क्लोरेन्काइमा प्रेजेंट होगा वहां पे ही आपकी फोटोसिंथेसिस होगी और वहीं पे जो प्लांट्स का खाना है वो बनेगा। तो इस हिसाब से अगर मैं इसका आंसर देखूं तो सो दैट विल बी योर डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपको एनिमल किंगडम से रिलेटेड या फिर मैं कहूँ आपकी किंगडम क्लासिफिकेशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है? आपने इसमें से आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा एक किंगडम नहीं है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आर एच विटेकर हैं उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दी थी, और उन 5 किंगडम के अंदर मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया, ये 5 के 5 किंगडम थे। तो दैट मीन्स आपका जो वायरसेज हैं वो अलग से कोई किंगडम नहीं है, और जो प्रोटोजो है वो अलग से कोई किंगडम नहीं है लेकिन वो प्रोटिस्टा के अंदर ही लाई करता है। तो दैट मींस नॉट अ किंगडम पूछा गया है, तो आपका 3rd and 6th ऑप्शन जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं किंगडम क्लासिफिकेशन की, आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था जो कि मैंने आपको अभी बताया, और यहां पे इसके कुछ अलग अलग फीचर्स होते हैं। जैसे कि उसने क्या किया, जितने भी आपकी एनिमल डाइवर्सिटी है उनको उसने डिवाइड करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने पुराने सेल्स को आइडेंटिफाई किया और उसको डाल दिया मोनेरा के अंदर, और बाकी की सारी सेल्स को इसने किसके अंदर डाल दिया, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया और प्लांटी के अंदर। दैट मींस इन सब के अंदर आपको यूकैरियोटिक सेल देखने को मिलेगी। फिर उसके बाद उन्होंने क्या देखा कि क्या वो सिंगल सेल थी या फिर वो मल्टी सेलुलर थी। तो जो सिंगल सेल है वो सारे के सारे उसने डाल दिए प्रोटिस्टा के अंदर, और जो मल्टी सेलुलर है या फिर टिश्यूज हैं या फिर ऑर्गन सिस्टम ऑफ लेवल तक गए हुए हैं तो उनको उसने अलग अलग किंगडम्स में डाल दिया। फिर उसके बाद इन्होंने देखा कि फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया ये तीनों के तीनों यूकैरियोटिक भी हैं और ये मल्टी सेलुलर भी हैं, लेकिन इनमें क्या डिफरेंस है। फिर उन्होंने नोटिस किया कि जो प्लांटी है वो तो करता है फोटोसिंथेसिस, एनिमेलिया और फंजाई फोटोसिंथेसिस नहीं करता, तो इस वजह से कुछ स्पीशीज को उसने प्लांटी के अंदर डाल दिया। फिर नेक्स्ट है आपका कि एनिमल और फंजाई में ये डिफरेंस होता है कि जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है, वेयर एज फंजाई के अंदर आपको सेप्रोफिटिक और पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन देखने को मिलेगा। तो इन 5 बेसिस के ऊपर आर एच विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन जो है उसको किया था। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं प्लांट किंगडम से, आपको एक क्वेश्चन आया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ प्लांट्स डज नॉट हैव वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। तो अगर मैं प्लांट के किंगडम के अंदर आगे डिविजन्स की बात करूं तो उसको भी अलग अलग डिविजन्स में डाला गया था। जैसे कि पहले थोड़ा बहुत मैं आपको आइडिया दे देती हूं कि प्लांट्स के अंदर ऐसे प्लांट्स जिनके अंदर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं थी,
एक थैले लाइक बॉडी थी तो उसको उन्होंने थैलोफाइटा के अंदर डाल दिया। फिर बाकी की जो जिनकी डिफ्रेंशिएटेड बॉडी थी फिर उनके अंदर भी उन्होंने ये चेक किया क्या उनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज प्रेजेंट हैं। तो जिनके अंदर वैस्कुलर टिश्यूज का मतलब होता है जाइलम एंड फ्लोएम, तो अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो उनको ब्रायोफाइटा बोल दिया, लेकिन अगर प्रेजेंट है तो उनको भी उसने दोबारा से चेक किया कि क्या वो सीड्स को प्रोड्यूस करते हैं, तो अगर नहीं करते तो टिरिडोफाइट, अगर करते हैं तो उनको फनेरोगेम्स की कैटेगरी के अंदर डाल दिया। अब फनेरोगेम्स के अंदर भी जो सीड्स प्रोड्यूस करते थे अब ये देखा गया कि क्या वो सीड्स नेकेड हैं या फिर वो फ्लावर से ढके हुए हैं। तो अगर वो नेकेड सीड्स हैं तो उनको जिम्नोस्पर्म्स बोल दिया गया, लेकिन अगर वो फ्लावर्स से ढके हुए हैं दैट मीन्स जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो आपके एंजियोस्पर्म्स के अंदर आ जाएंगे। अब उनके अंदर फ्लावर्स भी है सीड्स भी हैं। अब सीड्स को दोबारा से डिफ्रेंशिएट किया गया कि क्या उनके अंदर सिंगल कॉटिलेडन था तो उसको मोनोकॉट बोल दिया गया, अगर डबल कॉटिलेडन था तो उसको डाइकॉट बोल दिया गया। तो इस बेसिस के अंदर प्लांट की जो डिवीजन है वो करी गई। तो यहां पे आपसे सिंपल सा क्वेश्चन पूछा गया है कि वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है, तो जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि थैलोफाइट के अंदर वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं होती, तो इसका आपका आंसर बनेगा थैलोफाइटा। इन द सेम वे प्लांट किंगडम के ऊपर आपको एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि ऐसे पहले कौन से प्लांट्स हैं जिन्होंने लैंड को इनहेबिट किया था। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो थैलोफाइटा है वो पानी में रहते थे, धीरे धीरे वो जो प्लांट्स हैं वो लैंड की तरफ आने लगे, और सबसे पहले लैंड पे आने वाले जो प्लांट्स थे वो आपके ब्रायोफाइटा थे। तो फर्स्ट प्लांट्स जो है जो लैंड पे आए दैट इज़ योर ब्रायोफाइटा। इन द सेम वे अगर आपसे पूछा जाए कि आपके फर्स्ट एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम किसे कहा जाता है तो वो भी ब्रायोफाइटा को कहा जाता है। अगर मैं बात करूं कि फर्स्ट रेप्टीलिया ऑफ प्लांट किंगडम किसको कहा जाता है तो वो आपके टिरिडोफाइट को कहा जाता है। ये भी चीज़ें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं जो कि आपके प्लांट हॉर्मोन से रिलेटेड है। तो यहाँ पे सिंपल सा पूछा गया है कि एक प्लांट के अंदर जो सेल डिविजन हो रही है वो कौन से हॉर्मोन की वजह से होती है, तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये साइटोकाइनिन की वजह से होती है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूं कि हर एक हार्मोन के प्लांट हार्मोन के क्या क्या यूजेस होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जैसे कि जो साइटोकाइनिन होता है वो सेल डिवीजन में हेल्प करता है, जो ऑक्सिन होता है वो सेल की इलोंगेशन में हेल्प करता है, ठीक है। इन द सेम वे जो ऑक्सिन है वो रूट की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है, और जो साइटोकाइनिन है वो स्टेम की ग्रोथ करवाने में हेल्प करता है। एब्सिसिक एसिड जो होता है वो तब तक एक सीड के अंदर रहता है ताकि उस सीड को डोरमेंसी स्टेज पे ही रहे। डोरमेंसी स्टेज का सिंपल सा मतलब होता है कि अभी वो कोई भी ग्रोथ वगैरह नहीं कर रहा है या फिर उस सीड से कोई भी सैपलिंग जो है वो बाहर नहीं आया है। अगर मैं इथाइलिन की बात करूं तो ये प्लांट का गैस हार्मोन है जो कि फ्रूट की राइपनिंग में हेल्प करता है, दैट मींस आपके फ्रूट्स को पकने में हेल्प करता है। जो जिब्रेलिन्स होते हैं वो आपकी जर्मिनेशन ऑफ सीड में हेल्प करते हैं, दैट मींस अगर एक सीड से प्लांट को निकलना हो तो यहां पर जिब्रेलिन्स प्रोड्यूस होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर मैं बात करूं तो आपके एनिमल किंगडम से क्वेश्चन पूछा गया है, डायरेक्टली पूछा गया है कि इनमें से वर्टिब्रेट कौन सा नहीं है। तो एनिमल किंगडम के अंदर आपको 11 फाइलम्स मिलेंगे, और उन 11 के 11 फाइलम्स की अलग अलग आपकी बेसिकली अलग अलग कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं, जिसमें से जो पहले 10 फाइलम है वो नॉन वर्टिब्रेट होते हैं, और लास्ट आपका कॉर्डेटा होता है जिसके अंदर आपके वर्टिब्रेट्स लाई करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो कॉकरोच है आपका वो आर्थ्रोपोडा फाइलम के अंदर आता है और आर्थ्रोपोडा नॉन वर्टिब्रेट होता है। बाकी ऑस्ट्रिच आपका एव्स क्लास के अंदर आता है जो कि आपकी कॉर्डेटा के अंदर आता है, और जो कॉर्डेटा है वो आपका वर्टिब्रेटा है। क्रोकोडाइल जो है वो आपकी रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता है, और रेप्टाइल्स अगेन कॉर्डेटा की कैटेगरी में आता है जो कि वर्टिब्रेटा है। जो फ्रॉग है वो आपका एम्फीबियन की कैटेगरी में आता है, और एम्फीबियन भी एक कॉर्डेटा है जो कि अगेन ये तीनों के तीनों आपकी वर्टिब्रेटा की कैटेगरी में आते हैं। तो यहां पे अगर मैं एनिमल किंगडम के बारे में बात करूं जो कि 11 फाइलम्स के अंदर डिवाइडेड है, सबसे पहला आपका पोरीफेरा है, देन इज आपका सीलेंट्रेटा, फिर है प्लेटीहेलमेंथीज, नीमाटोडा, एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा। तो यहाँ पे आर्थ्रोपोडा की कैटेगरी के अंदर आपका जो कॉकरेच है वो लाइक करता है। अब कॉर्डेटा के अंदर ही आपके अलग अलग जो कॉर्डेटाज हैं वो आते हैं जिनके अंदर वर्टिब्रेटा की कैटेगरी भी आती है। तो यहाँ पर आपने ध्यान रखना है जितनी भी आपकी फिशेज हैं, जितने भी आपके एम्फीबियंस हैं, रेप्टाइल्स हैं, बर्ड्स हैं और मैमल्स हैं, वो सारे के सारे वर्टिब्रेटा की कैटेगरी के अंदर लाइक करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, तो आपकी डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर से आपको क्वेश्चन पूछा गया है, वायरस के ऊपर आपको एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो ऐसा वायरस जो कि बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, ऐसे वायरस को हम क्या कहते हैं, बैक्टीरियोफेज कहते हैं। अगर मैं बात करूँ टोबैको मोजाइक वायरस की, तो ये प्लांट सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं। एडीनो वायरस और जो आपके हेपेटाइटिस वायरस हैं वो ह्यूमन सेल्स को इन्फेक्ट करते हैं, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स हैं कि एक प्लांट सेल को इन्फेक्ट करने वाले वायरसेस कैसे दिखेंगे। तो यहाँ पे प्लांट को जो इन्फेक्ट करते हैं वो ज़्यादातर सिंगल स्ट्रैंडेड आरएनएज होते हैं। जो एनिमल्स को इन्फेक्ट करते हैं वो सिंगल और डबल स्ट्रैंडेड आरएनए भी हो सकते हैं और डबल स्ट्रैंडेड डीएनए भी हो सकते हैं। अगर मैं बैक्टीरिया वायरसेस के बारे में बात करूँ, तो यहाँ पे जितने भी बैक्टीरियोफेजेस होते हैं वो यूजुअली डबल स्ट्रैंडेड डीएनए वायरसेस होते हैं, तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में अगर बात करें, तो आपको गुची से रिलेटेड कुछ जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी गई हैं। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है कि क्या ये एक फंगस है। तो रिसेंटली जो गुची मशरूम है वो न्यूज़ में था और ये एक फंगस की कैटेगरी में ही लाई करता है। अगर मैं सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बात करूं, तो यहाँ पर ये कुछ ही रीजन्स में एक तरह से ग्रो किया जाता है, जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, आपका हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड वाला रीजन हो गया, तो यहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है। तो बेसिकली ये हिमालयन फॉरेस्ट एरिया के अंदर ही ग्रो किया जाता है। सेकेंड स्टेटमेंट भी आपकी सही है। नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया के अंदर इसको कल्टीवेट नहीं किया जाता है। तो रिसेंटली ये न्यूज में इसलिए था क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर को जीआई टैग मिला है गुची मशरूम के लिए, तो इसके बारे में आपने ध्यान रखना है और आपकी यहां पर फर्स्ट और जो सेकंड स्टेटमेंट है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगी। इसके अलावा आपको यह भी पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के कुल्लू वाले रीजन में ज्यादातर आपको ये मशरूम देखने को मिलती है और जम्मू एंड कश्मीर का जो डोडा डिस्ट्रिक्ट है वहां पर आपको ये मशरूम जो है वो देखने को मिलती है। इसका बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल सिग्निफिकेंस है। ये बहुत ज्यादा महंगी मशरूम होती है और इसी गुची मशरूम को मॉरल भी कहा जाता है, इसके बारे में भी आपने ध्यान रखना है। इवन इस मशरूम को इसीलिए ही कल्टीवेट किया जाता है क्योंकि इसकी बहुत सारी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इन सब चीजों के बारे में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, जो कि आपके एचएएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही है। तो यहाँ पे आपको करेक्ट स्टेटमेंट को आइडेंटिफाई करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है आपकी कि सेल वैक्यूल्स डू नॉट स्टोर वेस्ट मटेरियल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक सेल के अंदर सेल वैक्यूल्स भी प्रेजेंट होते हैं, जो कि अलग अलग आपका सैप को स्टोर करने में, वेस्ट मटीरियल को स्टोर करने में और फूड को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट आपकी गलत हो जाएगी। सेकेंड स्टेटमेंट के बारे में अगर मैं बात करूँ, वाटर ट्रांसपोर्ट इन प्लांट अकर अक्रॉस जाइलम, तो यहाँ पर एक्रॉस नहीं होता, थ्रू जाइलम होता है, तो आपने इस चीज़ के बारे में ध्यान रखना है। ये आपका एचएएस का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और यहाँ पर उन्होंने एचएएस की आंसर की में इसको रॉन्ग स्टेटमेंट बताया है, तो दैट मींस आपकी साइंस के साथ साथ इंग्लिश भी चेक हो रही है, इस चीज़ के बारे में भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं, स्टेटमेंट के बारे में कि ब्रेकडाउन ऑफ पाइरूवेट इन ईस्ट इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यील्ड्स इथेनॉल। तो जैसा कि आप जानते हैं कि जो आपका ग्लूकोज होता है वो इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन और इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ब्रेकडाउन हो सकता है। हमारी सेल्स के अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जब वो ब्रेकडाउन होता है तो वो पाइरूवेट में कन्वर्ट होता है और पाइरूवेट अल्टीमेटली आपके एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से वो माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर कर एटीपी के एनर्जी मॉलिक्यूल्स बनाता है। लेकिन अगर मैं बात करूं कि अगर पाइरूवेट जो है बिना ऑक्सीजन के ब्रेकडाउन होगा तो वो दो चीज़ों में कन्वर्ट हो सकता है। एक है आपका लैक्टिक एसिड, जो कि ह्यूमन की मसल्स के अंदर होता है। बेसिकली ये प्रोसेस ह्यूमन की मसल्स के अंदर होती है जब वो बहुत ज़्यादा रिग्रस एक्सरसाइज करें, और दूसरी है आपकी ईस्ट के अंदर, जो कि अल्टीमेटली वो इथेनॉल में कन्वर्ट हो जाता है। तो आपकी जो सी स्टेटमेंट है वो बिल्कुल सही हो जाएगी। अगर मैं लास्ट स्टेटमेंट के बारे में बात करूं कि एक जो एटीपी एनर्जी मॉलिक्यूल होता है जिसके अंदर बेसिकली ट्राईफॉस्फेट जुड़ा होता है, ट्राईफॉस्फेट एक पर्टिकुलर बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं, अगर एक बॉन्ड को तोड़ना हो तो यहाँ पर 30 किलो जूल पर कैलोरी की जो एनर्जी है, पर मोल की जो एनर्जी है वो प्रोड्यूस होती है, तो 35 किलो जूल पर मोल नहीं प्रोड्यूस होती, तो इस वजह से आपकी डी स्टेटमेंट भी बिल्कुल गलत हो जाएगी। तो आपका इसका आंसर बनेगा सी ऑप्शन, इस चीज के बारे में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं कि डिफरेंट प्लांट पार्ट्स इन विच ल्यूकोप्लास्ट आर प्रेजेंट आर। तो ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो ल्यूकोप्लास्ट के बारे में आपको क्वेश्चन पूछा गया है। तो अगर मैं प्लांट सेल्स के अंदर प्लास्टिड्स के बारे में बात करूं, जो कि अलग अलग टाइप के होते हैं, जैसे कि आपका हो गया एक ल्यूको
ल्यूकोप्लास्ट, एक हो गया क्लोरोप्लास्ट और एक क्या क्रोमोप्लास्ट। ल्यूकोप्लास्ट का सिंपल सा मतलब है ऐसे प्लास्टिड जो कि कलरलेस होते हैं, जो कि बेसिकली आपके रूट्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं और अलग अलग जगहों पर भी होते हैं जो कि अलग अलग चीज़ों को स्टोर करने में हेल्प करते हैं। जैसे कि प्रोटीन को स्टोर करने के लिए आपके एल्यूरोप्लास्ट होते हैं, इन द सेम वे आपके कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करने के लिए अमाइलोप्लास्ट होते हैं। नेक्स्ट प्लास्टिड की अगर मैं बात करूं तो वो है आपके क्लोरोप्लास्ट, बेसिकली जिनके अंदर ज़्यादा क्लोरोफिल जो है वो प्रेजेंट होता है। और लास्ट है आपका क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल बेस्ड प्लास्टिड होते हैं, जो कि एक प्लांट को अलग अलग कलर्स देने में हेल्प करते हैं। तो यहाँ पे आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ल्यूकोप्लास्ट इसमें से कहाँ प्रेजेंट होगा, ग्रीन लीव्स के अंदर तो क्लोरोप्लास्ट होगा, फ्लावर एंड फ्रूट्स जो है वो कलर्ड होते हैं तो इसके अंदर क्रोमोप्लास्ट होगा, ग्रीन पार्ट्स के अंदर भी ऑफकोर्स क्लोरोप्लास्ट ही प्रेजेंट होगा, तो इसीलिए जो रूट्स और अंडरग्राउंड स्टेम्स होती हैं वो कलरलेस होती हैं, तो इनके अंदर आपके जो ल्यूकोप्लास्ट हैं वो प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यहाँ पे टेरिडोफाइट के बारे में पूछा गया है कि इसमें से टेरिडोफाइट के पास क्या नहीं होता। तो जैसे भी मैंने आपको बताया था कि पहले थैलोफाइटा फिर ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा के पास वैस्कुलर बंडल्स नहीं थे लेकिन टेरिडोफाइट के पास वैस्कुलर बंडल्स आ गए, फिर लेकिन टेरिडोफाइट्स के पास सीड्स और जो आपके फ्लावर्स हैं वो नहीं थे, तो इस वजह से आपका जो फ्लावर्स है वो टेरिडोफाइट्स के पास नहीं होता क्योंकि वो एंजियोस्पर्म्स के पास होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात कर लेते हैं, अगेन आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और आपको एनिमल किंगडम के रिगार्डिंग ये क्वेश्चन पूछा गया है कि इन विच ग्रुप ऑफ द एनिमल्स सिलोम इज फिल्ड विद ब्लड। तो जैसे कि आप जानते हैं कि एनिमल किंगडम के अंदर 11 फाइलम होते हैं, जिनके पहले कुछ फाइलम होते हैं उनके पास सर्क्यूलेटरी सिस्टम नहीं होता। आर्थ्रोपोडा से आपका सर्क्यूलेटरी सिस्टम शुरू होता है और आर्थ्रोपोडा के पास जो सर्क्यूलेटरी सिस्टम होता है दैट इज़ ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम। ओपन सर्क्यूलेटरी सिस्टम का सिंपल सा मतलब ये होता है कि जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स से बाहर आ जाता है और एक कैविटी के अंदर बाथ करता है। इस कैविटी के अंदर आपके अलग अलग ऑर्गन्स प्रेजेंट होते हैं और उसके आसपास जो ब्लड है वो पूरी कैविटी में फिल हो जाता है, दैट मीन्स जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स से बाहर आ गया है। तो क्योंकि आर्थ्रोपोडा से ही सर्कुलेटरी सिस्टम शुरू हुए हैं तो यहाँ पे सिलोम जो है वो पूरा का पूरा ब्लड से भर जाता है, तो इसलिए आपका जो आंसर रहेगा दैट विल बी योर आर्थ्रोपोडा। इसी आर्थ्रोपोडा के आपके अंदर जितने भी इंसेक्ट्स वगैरह हैं वो सारे के सारे आर्थ्रोपोडा के अंदर लाई करते हैं। तो ये मैंने आपको ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बताया है जो कि ब्लड वेसल से ब्लड बाहर आ गया है, लेकिन क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो ब्लड वेसल से कभी भी बाहर नहीं आता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि पहले कुछ फाइलम में तो आपका सर्क्यूलेटरी सिस्टम नहीं प्रेजेंट होता, बाकी फाइलम्स में है तो जिसमें से भी कुछ में ओपन होता है और कुछ में क्लोज्ड होता है। तो इनके बारे में आपने ध्यान रखना है कि क्लोज्ड किस किस में होता है, एक तो एनालिडा में जिसमें कि आपके अर्थवॉर्म्स आते हैं, फिर है आपका सिफेलोपोडा जिसके अंदर आपके ऑक्टोपसेज आते हैं, फिर है आपके वर्टिब्रेटा जिसके अंदर आपकी पाँचों की पाँच क्लासेज आती हैं, दैट इज़ फिशेज, एव्स, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स एंड मैमल्स। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपने ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं कि जो लिटमस डाई है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर जो लिचन है वो एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन होता है एल्गे एंड फंगस का, और यही एक पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड बनाता है जिसकी वजह से आपकी जो लिटमस डाई है उसको प्रिपेयर किया जाता है। तो इन सब चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपसे बेसिकली एक एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा, कोशिश करी है कि आपका हर एक क्वेश्चन जो है हर एक टॉपिक से कवर किया जाए। तो यहाँ पे हमने सेल से, प्लांट सेल, एनिमल सेल, सेल डिवीजन, माइटोसिस, मियोसिस, देन इज योर डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर पांचों के पांच किंगडम्स आ जाते हैं आपके पॉरीफेरा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, एनिमेलिया, देन इज आपके प्लांट और एनिमल किंगडम के ऊपर भी कई बार क्वेश्चंस बनते हैं। इसके अलावा आपको सेल ऑर्गेनली और उसके फंक्शंस और उसके डिस्कवरर्स के बारे में पता होना चाहिए। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।